एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 12th कॉमर्स, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस इज चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 12th कॉमर्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स विच आर रिलेटेड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो कौन से टूल्स अवेलेबल है हमारे पास, तो उनका ओवरव्यू लेते हैं कि हमें जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना है तो देर आर डिफरेंट टूल्स अवेलेबल। जो पहला टूल हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो हमें पढ़ना है या ये सीखना है कि हाउ टू प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो ये हमारा एजेंडा है कि हाउ टू प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, राइट। फिर दूसरा हमें पढ़ना है हाउ टू प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हाउ टू प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट। फिर तीसरा हमें पढ़ना है हाउ टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट, कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, दीज आर नथिंग बट स्टेटमेंट्स। जो आपके फाइनल अकाउंट्स के स्टेटमेंट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उन्हीं को आपको कन्वर्ट करना है इनटू कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड साथ ही साथ हमें पढ़ना है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस इज डिफरेंट, बट कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट्स जहां पर हमें फॉर्मेट बना के सम सॉल्व करना है। बट रेशियो एनालिसिस में हमें फॉर्मुलेज लर्न करना है एंड इन फॉर्मुलेज के ऊपर बेस्ड सम्स हमें सॉल्व करने, राइट। तो इन्हें चारों को हमें एक एक करके पढ़ना है, राइट, सबको एक साथ नहीं पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हम हमारे इस चैप्टर की विद रेशियो एनालिसिस, कि हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद रेशियो एनालिसिस, कि हम एक एक करके देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मूलाज एंड उन फॉर्मूलेज को अप्लाई करके कैसे सम्स को सॉल्व करना है। तो देखा जाए तो देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ फॉर्मूलाज गिवन इन आर सिलेबस। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, उनमें से हमें केवल 3 कैटेगरीज के लिमिटेड फॉर्मूलेज को ही पढ़ना है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फॉर्मूला इज कॉल्ड एज बैलेंस शीट रेशियो, एंड अंडर बैलेंस शीट रेशियो हमें पढ़ना है हाउ टू कैलकुलेट करंट रेशियो एंड हाउ टू कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियो या सिंपल लिक्विड रेशियो। कि बैलेंस शीट रेशियो में हमें 2 रेशियोज का कैलकुलेशन पढ़ना है, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। फिर जो सेकंड कैटेगरी ऑफ रेशियोज है, दैट इज इनकम स्टेटमेंट रेशियो, कि रेशियोज जो रिलेटेड है इनकम स्टेटमेंट से, इसमें हमें 4 कैलकुलेशंस पढ़ने हैं या 4 फॉर्मूलाज पढ़ना है। पहला फॉर्मूला इज रिलेटेड टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेकंड इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, थर्ड इज नेट प्रॉफिट रेशियो एंड फोर्थ इज ऑपरेटिंग रेशियो। तो ये 4 फॉर्मूलेज हमें लर्न करने हैं एंड उसके ऊपर के बेस्ड सम्स हमें सॉल्व करने हैं। एंड जो तीसरी कैटेगरीज है रेशियो की, दैट इज कंबाइंड ऑब्लिक मिक्स्ड रेशियो, कि जहां पर हम कुछ आइटम्स, कुछ वैल्यूज बैलेंस शीट से लेंगे, कुछ वैल्यूज हम इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से लेंगे, इसलिए इसे मिक्स्ड रेशियो कहा जाता है। बैलेंस शीट रेशियो मतलब सारी वैल्यूज बैलेंस शीट से लेनी है, राइट। इनकम स्टेटमेंट मतलब सारी वैल्यूज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट से लेनी है। एंड कंबाइंड या मिक्स्ड रेशियो मतलब कुछ वैल्यूज आपको बैलेंस शीट से उठानी है, कुछ वैल्यूज आपको इनकम स्टेटमेंट दैट इज ट्रेडिंग एंड पीएनएल से उठानी है, इसलिए इसे मिक्स्ड रेशियो कहा जाता है। इसमें हमें 2 कैलकुलेशंस पढ़ना है, वन इज आरओसी दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड दूसरा इज आरओआई दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। ये 2 कैलकुलेशंस हमें पढ़ने हैं, ये 2 फॉर्मूलेज हमें पढ़ना है, राइट। तो अब शुरुआत करते हैं विद सर्टेन इलस्ट्रेशन, रेशियो एनालिसिस के सर्टेन इलस्ट्रेशंस, एंड इन इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करते करते हम ये सारे फॉर्मूलेज कवर करने वाले, राइट। तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर का एक हिस्सा इज रेशियो एनालिसिस, जिसमें हमें इस प्रकार से अलग अलग रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। तो मैं आ रहा हूं ऑन आर फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज इलस्ट्रेशन नंबर 1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, राइट। इलस्ट्रेशन 1 को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसमें जो उन्होंने पूछा है वो कैलकुलेट करके उन्हें देते हैं। सॉल्व करते करते ही हम क्या करने वाले, फॉर्मूलेज लिख के उसे लर्न करने वाले, राइट। मुझे तो फॉर्मूलेज आते हैं, लर्न आपको करना है। तो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, उन्होंने कहा है अ कंपनी हैड द फॉलोइंग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, एंड उन्होंने एंड में कहा है कैलकुलेट करंट रेशियो। तो क्वेश्चन में उन्होंने आपको कहा है कि कंपनी के कुछ करंट एसेट्स है, कुछ करंट लायबिलिटीज है, इन्हें यूज करके आप करंट रेशियो कैलकुलेट करो। अभी हमने देखा कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो, तो बैलेंस शीट रेशियो में हमें पढ़ना है हाउ टू कैलकुलेट करंट रेशियो। तो आज का हमारा एजेंडा है कि हम पढ़ने वाले हाउ टू कैलकुलेट करंट रेशियो। तो इसलिए आप भी क्या करो, नोटबुक के फ्रेश पेज पर आ जाओ, मैं भी फ्रेश पेज पर आ रहा हूं। हमें कैलकुलेट करना है करंट रेशियो, तो मैं आगे करंट रेशियो लिख के उसका फॉर्मूला लिखूंगा। तो मैं पहले लिख रहा हूं करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। दिस इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट करंट रेशियो। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है करंट रेशियो कैलकुलेट करो, तो ठीक है करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं, बट कैसे? तो करंट रेशियो फॉर्मूला इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो द फॉर्मूला यू नीड इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। नो, व्हाट डू यू मीन बाय करंट एसेट्स? तो करंट एसेट्स इज नथिंग बट योर नॉर्मल एसेट, बट
जो शॉर्ट टर्म नेचर की है या जो इमीडिएटली कुछ दिनों बाद कैश में कन्वर्ट हो सकती है या वो जिसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है. करंट एसेट्स मीन्स ऑल दोज एसेट्स विच आर ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर, जो लॉन्ग टर्म नेचर की नहीं है, शॉर्ट टर्म नेचर की है, जिनकी वैल्यूज फ्लक्चुएट होती है, राइट, एंड वो कुछ दिनों बाद कैश में कन्वर्ट होते हैं, ऐसे एसेट्स को हम करंट एसेट्स कहते हैं. तो अगर एसेट्स के एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो बिल्डिंग इज योर एसेट, मशीनरी इज योर एसेट, स्टॉक इज योर एसेट, डेटर इज योर एसेट, ये सब ना दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ योर एसेट. लेकिन जो बिल्डिंग है, मशीनरी है, दे आर नॉट करंट एसेट्स क्योंकि दे आर इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पस. उनकी वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होती है या उन्हें हम बेच के कैश में कन्वर्ट नहीं करते हैं. सो बिल्डिंग को, मशीनरी को, फर्नीचर को हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स. बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर को हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स. बट ऑन द अदर हैंड स्टॉक है, डेटर है, इनकी वैल्यू हमेशा सेम होती है. क्या कि मेरे दुकान में जो स्टॉक है, आज अगर मेरे दुकान में 1,00,000 रुपए का स्टॉक है तो हर रोज 1,00,000 का स्टॉक होगा क्या? आंसर इज नो. मैं कुछ सामान बेचूंगा, कुछ खरीदूंगा, तो माय स्टॉक की वैल्यू विल फ्लक्चुएट. तो स्टॉक की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, तो जिन जिन एसेट्स की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, जो कॉन्स्टेंट नहीं है, उन्हें कहा जाता है करंट एसेट्स. तो करंट एसेट्स के एग्जाम्पल क्या है? तो स्टॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट्स, डेटर इज एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट्स. डेटर्स की वैल्यू भी कम ज्यादा होगी. डेटर्स यानी कि वो लोग जिनको हमने सामान उधार बेचा है, तो जब मैं उनको सामान उधार बेचूंगा तो डेटर्स की वैल्यू बढ़ेगी, जब मैं पैसा वसूल करूंगा तो डेटर्स की वैल्यू कम होगी. तो डेटर्स विल कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग. वो एक ही वैल्यू पर कॉन्स्टेंट रहेगा क्या 10-15 साल के लिए? आंसर इज नो. तो डेटर्स कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग. या डेटर्स का होता क्या है कि डेटर्स से मैं बाद में पैसा रिकवर करता हूं, तो डेटर्स आर गेट कन्वर्टेड इनटू कैश, सो डेटर इज करंट एसेट. सेम इज विद स्टॉक. स्टॉक को बेचूंगा, मैं कन्वर्ट करूंगा कैश में, यस और नो? तो स्टॉक, डेटर्स आर माय एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स. उसके साथ साथ कैश इन हैंड इज करंट एसेट. नाम में इट इज कैश, तो कैश उतना ही रहेगा क्या? नहीं, कैश विल कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग. बैंक बैलेंस कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग. बिल्स रिसीवेबल कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग. सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ करंट एसेट. स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आर एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स. तो मुझे क्वेश्चन से वही ढूंढना है कि अगर मुझे करंट रेशो कैलकुलेट करना है तो मुझे करंट एसेट्स अलग चाहिए, करंट लायबिलिटीज अलग चाहिए. तो मैं पहले कैलकुलेट करूंगा करंट एसेट्स को, तो मैं क्वेश्चन में जाऊंगा, हर एक आइटम को पढ़ूंगा एंड डिसाइड करूंगा कि ये आइटम करंट एसेट है या नहीं. तो जो पहला आइटम क्वेश्चन में दिया है डेटर्स, तो इज डेटर माई करंट एसेट? आंसर इज यस. अभी हमने डिस्कस किया कि डेटर्स यानी कि कौन, जिनसे हमें पैसा वसूल करना है, उनकी वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट होती है क्या? आंसर इज नो, दे कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग. तो डेटर इज माई करंट एसेट. तो मैं उसे हाईलाइट कर रहा हूं कि डेटर इज माई करंट एसेट. डेटर्स के बाद अगला आइटम इज क्रेडिटर. क्रेडिटर हमारे लिए एसेट है ही नहीं, तो उसे डिस्कस ही नहीं करते कि क्रेडिटर इज लायबिलिटी. हमें क्या चाहिए? हमें एसेट चाहिए, एंड वो भी कौन सी? जो करंट नेचर की है, जो फ्लक्चुएटिंग नेचर की है, ऐसी मुझे एसेट चाहिए. तो क्रेडिटर एसेट है ही नहीं, तो उसे भूल जाओ. क्रेडिटर्स के बाद अगला आइटम है बिल्स पेबल. तो बिल्स पेबल इज ऑल्सो लायबिलिटी, तो अभी उसे इग्नोर करो. फिर क्या है? स्टॉक. तो इज स्टॉक करंट एसेट? आंसर इज यस. स्टॉक की वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग, तो स्टॉक इज माई करंट एसेट. तो आई नीड टू टेक स्टॉक, तो मैं स्टॉक को हाईलाइट कर रहा हूँ. स्टॉक के बाद अगला आइटम उन्होंने दिया आपको लूज टूल्स. तो लूज टूल्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स इज माई करंट एसेट. लूज टूल्स, जो हथियार खुले होते हैं, उनकी वैल्यूज हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है. दे आर नॉट फिक्स्ड, दे आर लूज इन नेचर, दैट्स वाई दे आर करंट एसेट्स. तो लूज टूल्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ एज माई करंट एसेट्स, राइट. एंड लास्ट आइटम उन्होंने दिया आपको बैंक ओवरड्राफ्ट. तो इज ओवरड्राफ्ट आर एसेट? आंसर इज नो. तो फिर आगे डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है, वो एसेट है ही नहीं, तो उसे इग्नोर करो. तो फिर हमें करंट एसेट्स क्या क्या मिले? मुझे तीन करंट एसेट्स मिले, डेटर 60,000, स्टॉक 30,000 एंड लूज टूल्स 10,000. तो इन तीनों को मैं उठा के अपने आंसर में लेके आ रहा हूँ. करंट एसेट्स के सामने मैं लिख रहा हूँ डेटर 60,000, स्टॉक 30,000, लूज टूल्स 10,000. ये तीन मेरे करंट एसेट्स है. अब मुझे इन करंट एसेट्स का टोटल चाहिए कि मुझे रेशियो कैलकुलेट करना है, तो नीड टोटल. तो इन तीनों को ऐड करो, मुझे टोटल मिल रहा है 1,00,000. सो माय करंट एसेट्स इज ऑफ रुपीज 1,00,000. कि जो क्वेश्चन में आपको उन्होंने करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहा है, करंट रेशियो के लिए आई नीड करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. मैंने पहले करंट एसेट्स कैलकुलेट की 1,00,000. अब सेम वे मुझे क्या चाहिए? करंट लायबिलिटीज चाहिए. तो मैं नीचे लिख रहा हूँ करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वॉट. तो मुझे फिर से क्वेश्चन में जाके करंट लायबिलिटीज को उठा के यहाँ पर लिखना पड़ेगा. तो फिर से करंट एसेट छोड़ के जो बचे हुए आइटम है उन पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. तो कौन सा आइटम पेंडिंग है? क्रेडिटर्स. तो इज क्रेडिटर अ लायबिलिटी? आंसर इज यस, क्रेडिटर इज माय लायबिलिटी. अब मुझे कौन सी लायबिलिटी चाहिए? मुझे चाहिए करंट लायबिलिटी. तो करंट लायबिलिटी मतलब ऑल दोज लायबिलिटी विच आर पेएबल इन शॉर्ट टर्म.
करंट लायबिलिटी का मतलब है लायबिलिटी विच आर पेएबल इन शॉर्ट टर्म। लायबिलिटी का मतलब सबको पता है, लायबिलिटी मतलब कर्जा, मुझे पैसा देना बाकी है। करंट लायबिलिटी मतलब दोज लायबिलिटी विच आर पेएबल इन शॉर्ट टर्म, कि जो मुझे आने वाले कुछ महीनों में रीपे करना है। तो क्रेडिटर्स इज करंट लायबिलिटी, आंसर इज यस और नो? तो आंसर इज यस, क्रेडिटर इज करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स यानी कि वो लोग जिनसे मैंने सामान उधार खरीदा है, कुछ महीनों में मुझे उनके पैसे लौटाने हैं। तो इज क्रेडिटर माय करंट लायबिलिटी? आंसर इज यस, क्रेडिटर लायबिलिटी है, ये तो सबको पता है। बट इज इट करंट लायबिलिटी? आंसर इज यस, तो मैं उसे हाईलाइट कर रहा हूँ कि क्रेडिटर इज माय करंट लायबिलिटी। सेम वे नेक्स्ट आइटम जो हमने पेंडिंग छोड़ा था, बिल्स पेएबल। तो इज बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी? आंसर इज यस। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है कि बिल ऑफ एक्सचेंज मैक्सिमम वैलिडिटी 3-4 महीने की होती है। तो बिल्स पेएबल का पैसा अगर मुझे रीपे करना है तो मुझे 3 या 4 महीने का ही टाइम मिलेगा। सो बिल पेएबल बिकेम माय करंट लायबिलिटी। तो बिल पेएबल को भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इट इज माय करंट लायबिलिटी। एंड जो लास्ट आइटम हमने पेंडिंग छोड़ा था, दैट वाज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इज बैंक ओवरड्राफ्ट माय करंट लायबिलिटी? आंसर इज यस। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब भी है टेंपरेरी लोन। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? टेंपरेरी लोन, कि जो हमने बैंक से कर्जा लिया है फॉर अ टेंपरेरी पर्पस। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट की वैलिडिटी मैक्सिमम होती है ऑफ 12 months। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज बट ऑब्वियस आर करंट लायबिलिटी, तो मैं उसे भी हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये 3 करंट लायबिलिटीज मुझे क्वेश्चन से मिली, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। जो बाकी के 3 आइटम है, डेटर्स, स्टॉक, लूज टूल्स, वो तो करंट एसेट्स थे। तो जो करंट एसेट्स थे उसको मैंने डिस्कस ही नहीं किया, वो करंट एसेट्स है, तो करंट लायबिलिटी हो ही नहीं सकते। तो करंट लायबिलिटी कौन है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इन तीनों को उठा रहा हूँ, आंसर में लिख रहा हूँ करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्रेडिटर्स 30,000, बिल्स पेबल 20,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। अगेन मुझे इन तीनों का टोटल चाहिए, तो 30 + 20 + 10 टोटल करोगे तो आ रहा है 60,000। सो माय करंट लायबिलिटीज आर ऑफ रुपीज 60,000। मुझे कैलकुलेट करना है करंट रेशो। तो करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो मैंने पहले करंट एसेट्स कैलकुलेट किए 1 लाख, फिर मैंने करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट किए 60,000। तो अब मेरा करंट रेशो का कैलकुलेशन में मैं नीचे दिखाऊंगा कि करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स 1 लाख डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 60,000। कि करंट रेशो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स की टोटल 1 लाख मैंने उठा के नीचे लिखी, करंट लायबिलिटीज की टोटल मैंने उठा के नीचे लिखी। सो माय करंट रेशो इज 1 लाख / 60,000। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करो, जो पहले कॉमन जीरोज है उनको कट करो, तो आपका आंसर बचता है 10/6। क्या आंसर बचता है आपका? 10/6, की जो कॉमन जीरोस थे वो चले गए। अब देखो कि 10 एंड 6 को आप कौन से कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हो। तो आप 10 एंड 6 को डिवाइड कर सकते हो विद अ कॉमन नंबर 2। 10 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो 10 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे आंसर मिलेगा 5। तो ऊपर की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5 एंड 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3। तो 10 एंड 6 को मैं दोनों को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर बचेगा 5/3। 10/6 इज नथिंग बट 5/3। अब 5 एंड 3 कैन फर्दर डिवाइडेड, आप उसे फर्दर कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हो क्या? आंसर इज नो। हमें रेशो कैलकुलेट करना है, हमें फाइनल आंसर कैलकुलेट नहीं करना है। अगर आपको पार्टनरशिप के सम याद है तो जब हम रेशोस कैलकुलेट करते थे, ऑन कैपिटल रेशो कैलकुलेट करते थे, तो हम कॉमन जीरोस कैंसिल करते थे फिर कॉमन नंबर से डिवाइड करते थे। सेम इज यहाँ पर, वही मैं कर रहा हूँ कि 10 एंड 6 को मुझे कॉमन नंबर से डिवाइड करना है। तो 2 से मैंने डिवाइड किया, मुझे आंसर मिला 5/3। अब 5/3 को मैं किसी कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ क्या? आंसर इज नो। सो माई फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5/3। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ करंट रेशियो इज इक्वल टू 5:3। क्या लिख रहा हूँ मैं? 5:3, कि एक तरफ मेरे पास करंट एसेट्स 5 रुपये के है, दूसरी तरफ मेरी करंट लायबिलिटी 3 रुपये की है। इसका सिंपल मतलब है कि इन आने वाले दिनों में एसेट्स से मुझे 5 रुपया मिलेगा एंड उन 5 रुपये में से 3 रुपये पे करने पड़ेंगे। सो माई करंट रेशियो इज 5:3। करंट रेशियो शोज द लिक्विडिटी ऑफ अ बिजनेस, कि इन आने वाले दिनों में बिजनेस में शॉर्ट टर्म कैश फ्लो कैसे होगा। तो शॉर्ट टर्म कैश फ्लो उनके पास 5 रुपये का होगा, बदले में 3 रुपया जाएगा। सो दे आर इन अ कंफर्टेबल पोजिशन, कि 5 आएगा देना 3 पड़ेगा। सो करंट रेशियो उनका ठीक ठाक है, राइट? बहुत अच्छा भी नहीं है बट ठीक ठाक है। अच्छा किसे कहते हैं? कि जो करंट रेशियो 2:1 से ऊपर है, 2:1 इज द आइडियल करंट रेशियो। 2:1 याद रखो, राइट? चाहिए तो मार्क करके रखो या अभी यहाँ पर कहीं पर नोट करके रखो कि 2:1 इज द आइडियल करंट रेशियो। कि करंट रेशियो किसी भी बिजनेस का जब आप लिक्विडिटी कैलकुलेट करते हो तो करंट रेशियो हैज़ टू बी 2:1। 2:1 इज द व्हाट वी कैन से कि एक आइडियल लेवल है, कि जिसके ऊपर आप हो तो वेरी गुड, जिसके नीचे हो तो ठीक ठाक पोजिशन है। 2:1 इज द आइडियल करंट रेशियो। Is this clear? ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ सकता है कि आइडियल करंट रेशियो इज डैश
2:1 उसका आंसर है। तो यहां पर सॉल्यूशन का आंसर क्या है, करंट रेशियो 5:3, ये इनका आंसर है। बट ऑन आइडियल पोजीशन क्या होनी चाहिए करंट रेशियो की, 2:1, कि जब आप एनालिसिस करते हो तो आप देखोगे कि अरे 5:3, तो इससे हमें क्या पता चला कि इनका लिक्विडिटी का पता चला जो ठीक ठाक है। इज दिस क्लियर? तो ये इस क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन 1 का आंसर हमें मिल गया कि करंट रेशियो इज 5:3। वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। अब फटाफट हम चलते हैं ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 11 या अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल 11। इसमें उन्होंने क्या पूछा है, फिर से अगर आप लास्ट लाइन पढ़ोगे तो कैलकुलेट करंट रेशियो, फिर से हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करके उन्हें देना है। तो फटाफट मैं आ रहा हूँ ऑन फ्रेश पेज में लिख रहा हूँ करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, फॉर्मूला विल रिमेन कॉन्स्टेंट। करंट रेशियो कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूला भी लर्न करो, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए पूछ सकते हैं कि करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो मुझे फिर से पहले करंट एसेट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो मैं नीचे लिख रहा हूं करंट एसेट्स इज इक्वल टू व्हाट, तो वो मुझे क्वेश्चन से ढूंढने पड़ेंगे। तो मैं क्वेश्चन में जा रहा हूं, पहला आइटम इज डेटर्स, तो इज डेटर्स अ करंट एसेट, आंसर इज यस, तो मैं उसे हाईलाइट कर रहा हूं कि डेटर मेरे लिए करंट एसेट है। अगला आइटम इज क्रेडिटर्स, तो इज क्रेडिटर अ करंट एसेट, आंसर इज नो, तो उसे इग्नोर करो। नेक्स्ट आइटम इज बिल्स पेएबल, तो इज बिल्स पेएबल करंट एसेट, आंसर इज नो, तो उसे इग्नोर करो। नेक्स्ट आइटम इज स्टॉक, तो इज स्टॉक करंट एसेट, आंसर इज यस, स्टॉक इज फ्लक्चुएटिंग एसेट, तो स्टॉक इज माय करंट एसेट, तो मैं उसे हाईलाइट कर रहा हूँ। स्टॉक के बाद अगला आइटम है लूज टूल्स, तो यस अभी हमने डिस्कस किया था लूज टूल इज ऑल्सो अ करंट एसेट। एंड लास्ट आइटम है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो इज बैंक ओवरड्राफ्ट अ करंट एसेट, आंसर इज नो, तो उसे इग्नोर करो। तो फिर से हमें इस क्वेश्चन में तीन करंट एसेट्स मिले, डेटर्स, स्टॉक एंड लूज टूल्स। फिर से इन तीनों को मैं उठा रहा हूँ, अपने आंसर में लिख रहा हूँ करंट एसेट्स इज इक्वल टू डेटर्स 1,20,000, स्टॉक 60,000, लूज टूल्स 20,000। तो ये तीन मेरे करंट एसेट्स मैंने लिख लिए। इमीडिएटली इन तीनों का टोटल नीचे ले लो विच इज 2,00,000 रुपीज। सो इस बिजनेस के पास 2,00,000 रुपए के करंट एसेट्स है। तो ये तो करंट एसेट्स हुए। अब हमें फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए करंट लायबिलिटीज भी चाहिए, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू, फिर से क्वेश्चन में जाओ कि देखो कौन से लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज है। तो डेटर्स तो एसेट था, उसे भूल जाओ। अगला क्रेडिटर्स, इज क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, आंसर इज यस, मैं उसे हाईलाइट कर रहा हूँ कि क्रेडिटर इज माई करंट लायबिलिटी। इज बिल्स पेबल माई करंट लायबिलिटी, आंसर इज यस, मैं उसे भी हाईलाइट कर रहा हूँ। अगला आइटम स्टॉक करंट एसेट, उसे छोड़ दो। लूज टूल्स करंट एसेट, उसे छोड़ दो। एंड लास्ट आइटम इज बैंक ओवरड्राफ्ट, इज बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी, आंसर इज यस, लायबिलिटी है। एंड इज ऑफ करंट नेचर, कि बैंक से मैंने कर्जा लिया है, इज माई लायबिलिटी, एंड विच इज रीपेबल इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सो इट इज माई करंट लायबिलिटी। तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तीनों मेरे लिए करंट लायबिलिटी बन गया। इन तीनों को मैं उठा रहा हूँ एंड अपने सोल्यूशन में लिख रहा हूँ करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्रेडिटर्स 60,000, बिल्स पेबल 40,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000। ये तीन करंट लायबिलिटीज है। फिर से इन तीनों को ऐड करो, 60 + 40 + 20, टोटल आ रहा है 1,20,000। सो करंट लायबिलिटीज की टोटल इज 1,20,000। तो हमें चाहिए करंट रेशियो, करंट रेशियो के लिए हमें चाहिए करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो मुझे करंट एसेट्स मिली 2,00,000, करंट लायबिलिटीज मिली 1,20,000। तो अब इन दोनों वैल्यूज को लेके करंट रेशियो कैलकुलेट करो। तो मैं लिख रहा हूँ करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स 2,00,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 1,20,000। सो करंट रेशियो इज 2,00,000 करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 1,20,000। फिर से कॉमन जीरो कैंसिल करो तो आपका आंसर बचेगा 20/12। क्या आंसर बचेगा आपका? 20/12। फिर से 20 एंड 12 कौन से कॉमन नंबर से डिविजिबल है? तो 20 एंड 12 दोनों 4 से डिविजिबल है। 20 कैन बी डिवाइडेड बाय 4, आंसर मिलेगा 5, एंड 12 कैन बी डिवाइडेड बाय 4, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 आंसर मिलेगा 3। तो 20 डिवाइडेड बाय 4 मुझे आंसर मिल रहा है 5, एंड 12 डिवाइडेड बाय 4 मुझे आंसर मिल रहा है 3। तो 20/12 का नेक्स्ट आंसर इज 5/3, कि 20 एंड 12 दोनों को मैंने 4 से डिवाइड किया, डिविजिबल बाय 4 है, तो 4 से डिवाइड करो, आंसर मिला 5/3। सो नथिंग बट करंट रेशियो फॉर दिस क्वेश्चन इज 5/3। तो मैं आगे लिख रहा हूँ करंट रेशियो इज इक्वल टू 5:3, 5/3 यानी कि 5:3। तो अगेन एक तरफ इनके पास 5 रुपए की करंट एसेट्स है, दूसरी तरफ 3 रुपए की करंट लायबिलिटी है, तो इनकी भी लिक्विडिटी पोजिशन ठीक ठाक है। करंट रेशियो आइडियल मैंने क्या कहा था? 2:1, राइट? यह है 5:3, तो 2:1 मतलब जितने करंट एसेट्स है उसका आधा आपका करंट लायबिलिटी होना चाहिए। तो करंट एसेट्स हैज टू बी 2, करंट लायबिलिटी हैज टू बी हाफ ऑफ दैट, दैट इज 1। कि लायबिलिटी कर्जा 1 रुपया, तो एसेट डबल होना चाहिए यानी कि 2 रुपया होना चाहिए। यहां पर हमारे पास एसेट 5 रुपया है बट कर्जा 3 रुपया, आधे से भी थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसे हम ठीक ठाक कहेंगे।
राइट. सो आइडियल करंट रेशो फिर से मैं दोहरा रहा हूँ इज 2:1. तो ये हमारा प्रैक्टिकल एग्जांपल 11 का करंट रेशो मिल गया 5:3. प्रैक्टिकल एग्जांपल 11 कंप्लीट. उन्होंने बोला था करंट रेशो कैलकुलेट करो, करंट रेशो मिल गया, सिंपल इजी. नेक्स्ट सम पर चलते हैं, विच इज दे हैव गिवन इलस्ट्रेशन नंबर 2. दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 2 अगेन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. इलस्ट्रेशन 2 में उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने कहा है कि करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी इज 1,50,000. तो उन्होंने करंट लायबिलिटीज आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दी, आसान है. एंड इट्स करंट रेशो इज 3:1. तो उन्होंने आपको करंट लायबिलिटीज कहां 1.5 लाख रुपया एंड करंट रेशो 3:1, मतलब करंट रेशो इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड. तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, उन्होंने कहा है फाइंड करंट एसेट्स. तो करंट एसेट्स मिसिंग है, फाइंड आउट करो. करंट लायबिलिटीज हमारे पास है, करंट रेशियो हमारे पास है, करंट एसेट्स आप कैलकुलेट करके दे दो. तो मैं फॉर्मूला यूज करके करंट लायबिलिटी थ्रू करंट एसेट्स तक पहुंचूंगा. कैसे, तो फिर से फ्रेश पेज पर आ जाओ. मैं फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं अपना, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. राइट. अब मुझे बताओ कि क्वेश्चन में इन दोनों में से हमारे पास क्या है. तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में से हमारे पास करंट लायबिलिटीज की वैल्यू अवेलेबल है, करंट एसेट्स की वैल्यू अवेलेबल नहीं है. एंड उन्होंने आपको करंट रेशियो दिया हुआ है विच इज 3:1. तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इसका आंसर मुझे पता है विच इज 3:1. तो उस आंसर से मैं क्या करूंगा, करंट एसेट्स कैलकुलेट करूंगा. किस प्रकार से, तो फिर से करंट रेशियो का फॉर्मूला इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. एंड उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है करंट रेशियो 3:1. तो मैं सिंपली फॉर्मूला को इस तरह लिख रहा हूं, करंट रेशियो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3:1. यस और नो, इज इक्वल टू व्हाट, 3:1. कि करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज 3:1. 3:1 कहां से आया, करंट रेशियो 3:1, नथिंग बट 3:1. ये क्लियर है. तो मैंने आंसर लिख लिया कि करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी इज 3:1. राइट. अब इनमें से करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में से मेरे पास करंट लायबिलिटीज की वैल्यू अवेलेबल है. तो जो गिवन कैलकुलेशन है, मैं करंट लायबिलिटीज की वैल्यू लिखूंगा 1,50,000. एंड मैं अपने फॉर्मूला को रीराइट करूंगा. तो मैं फॉर्मूला को लिख रहा हूँ कि करंट एसेट्स अपॉन 1,50,000 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3:1. कि हमारे पास करंट लायबिलिटीज है 1,50,000. तो मैंने करंट लायबिलिटीज की जगह करंट लायबिलिटीज की वैल्यू सब्सटीट्यूट की. तो मेरा फॉर्मूला बन गया करंट एसेट्स वी डोंट नो डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 1,50,000 इज इक्वल 3:1. तो इसे अब हम सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक. कि करंट एसेट्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3. तो अगले स्टेप पर मुझे आंसर मिलेगा एज करंट एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक. कि करंट एसेट्स 1 से मल्टीप्लाई होगा एंड 1,50,000 ऑपोजिट साइड जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो फर्दर आप आंसर निकालोगे तो करंट एसेट्स इनटू 1 इज करंट एसेट्स ओनली. एनीथिंग इनटू 1 इज द सेम वैल्यू. 100 इनटू 1 इज 100. 500 इनटू 1 इज 500. तो वैसे करंट एसेट्स इनटू 1 इज करंट एसेट्स. करंट एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 1 करंट एसेट ही रहेगा. इज इक्वल टू 1,50,000 इनटू 3 इज 4,50,000. तो मेरा आंसर देखो सामने ही रेडी है कि करंट एसेट्स इज इक्वल टू 4,50,000. तो इसका आंसर वेरी सिंपल तरीके से आ गया कि करंट एसेट्स जो उन्होंने पूछे थे उसका आंसर इज 4,50,000. कुछ डिफिकल्टी नहीं आ गया, सिंपल हमने फॉर्मूला लिखा. फॉर्मूलेस की वैल्यू हमारे पास है 3:1, उसमें से करंट लायबिलिटीज की वैल्यू 1,50,000 है. तो बस मैं सॉल्व करते करते गया, मुझे फाइनली करंट एसेट्स मिले एज 4,50,000. तो यहाँ पर हमारा इलस्ट्रेशन 2 का भी आंसर आ गया, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 4,50,000. तो अब मैं इमीडिएटली आ रहा हूँ ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 12. इसमें उन्होंने क्या पूछा है, फिर से करंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी 6 लाख एंड इट्स करंट रेशियो इज 2:1, फाइंड करंट लायबिलिटी. जैसे अभी हमने ऊपर का सम सॉल्व किया था उसी प्रकार से है. वहां पर वो करंट एसेट्स पूछे थे, करंट एसेट्स मिसिंग थे, करंट लायबिलिटीज थे, करंट लायबिलिटीज से करंट एसेट्स कैलकुलेट करने थे. यहां पर हमें करंट एसेट्स दिए है, आपको करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है एंड करंट रेशियो दिया हुआ है 2:1. तो मैं फिर से आ रहा हूँ ऑन फ्रेश पेज, मैं लिख रहा हूँ करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. वही हमारा फॉर्मूला, राइट. तो करंट रेशियो का आंसर हमारे पास क्वेश्चन में है 2:1. तो मैं लिख रहा हूँ करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2:1. करंट एसेट्स 2, करंट लायबिलिटी 1, क्योंकि करंट रेशियो हमारे पास 2:1 या 2:1 क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब इन दोनों में से करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में से हमारे पास करंट एसेट्स की वैल्यू है 6 लाख. तो मैं आंसर में
करंट एसेट्स की जगह 6 लाख लिखूंगा एंड फिर से फॉर्मूला को रीराइट करूंगा तो करंट एसेट्स की जगह 6 लाख लिखने की वजह से अब मेरा आंसर मिलेगा 6 लाख करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2:1 राइट या 2:1 कि करंट एसेट्स की जगह मैंने 6 लाख लिखा करंट लायबिलिटीज वी डोंट नो वी नीड टू फाइंड इट इज इक्वल टू 2:1 फिर से इसे कैसे सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कि 6 लाख विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड 2 लाख विल बी मल्टीप्लाइड बाय करंट लायबिलिटीज तो मेरा अगला कैलकुलेशन दिखेगा 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या कैलकुलेशन दिख रहा है मुझे कि 6 लाख इनटू 1 इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज मल्टीप्लाइड बाय 2 करंट लायबिलिटीज ऑपोजिट तरफ चली गई तो 2 करंट लायबिलिटीज से मल्टीप्लाई करेगा एंड 1 ऑपोजिट साइड आ गया तो 6 इनटू 1 होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन राइट अब 6 लाख इनटू 1 क्या आंसर मिलेगा 6 लाख मिलेगा तो मैं लिख रहा हूं 6 लाख इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज इनटू 2 तो करंट लायबिलिटीज इनटू 2 करंट लायबिलिटी इनटू 2 ही बचेगा करंट लायबिलिटीज का दुगना आप कर नहीं सकते क्योंकि करंट लायबिलिटीज यहां पर वैल्यू में नहीं है अगर करंट लायबिलिटीज की वैल्यू 1 लाख होती तो 1 लाख इनटू 2 2 लाख मिलता बट करंट लायबिलिटीज की वैल्यू नहीं पता तो मैं उसे वैसे ही लिख रहा हूं करंट लायबिलिटीज इनटू 2 तो 6 लाख इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी का 2 टाइम्स 6 लाख यानी कि क्या है 6 लाख यानी कि करंट लायबिलिटी का 2 टाइम है बट हमें करंट लायबिलिटी का 2 टाइम नहीं चाहिए हमें करंट लायबिलिटीज चाहिए तो जो करंट लायबिलिटीज मल्टीप्लाइड बाय 2 है फिर से 2 को मैं इस तरफ शिफ्ट करूंगा राइट इक्वल के इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो जो 2 मल्टीप्लीकेशन में है ऑन द राइट हैंड साइड वो इस तरफ आके लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या होगा डिवाइड होगा तो मेरा नेक्स्ट आंसर मुझे मिलेगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माय करंट लायबिलिटी 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 इज माय करंट लायबिलिटीज तो अगर आप कैलकुलेट करोगे 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज 3 लाख तो मेरा फाइनल आंसर इज 3 लाख इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज तो सिंपल हमारा सॉल्यूशन हमें मिल गया कि करंट लायबिलिटीज आर नथिंग बट 3 लाख तो मैं फाइनल आंसर नीचे लिख रहा हूं करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 3 लाख्स कि करंट लायबिलिटीज आर 3 लाख्स सिंपल जी तो फिर से इस क्वेश्चन को स्टार्ट टू एंड फिर से एक बार रिवाइज करो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया राइट कि यहां पर हमारे पास रेशियो अवेलेबल है एंड करंट एसेट्स की अवेलेबिलिटी है या करंट एसेट्स की वैल्यू अवेलेबल है उससे मैंने करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट किया राइट तो ये लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन फिर से 2-3 बार फिर से रिवाइज करो राइट अब फटाफट चलते हैं ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 या इलस्ट्रेशन नंबर 3 तो वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने लास्ट लाइन पर क्या कहा है डायरेक्टली उस पर ही चलते हैं कैलकुलेट करंट रेशियो कैलकुलेट करता है उन्होंने आपको टोटल एसेट्स दिए फिक्स एसेट्स दिए कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है एंड उन्होंने कहा है कि देयर वेयर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करंट रेशियो कैलकुलेट करो तो फिर से करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए मुझे करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा तो मैं आ रहा हूं फ्रेश पेज पर मैं लिख रहा हूं करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी करंट रेशियो इज नथिंग बट करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज तो मुझे पहले इन दोनों में से क्या चाहिए मुझे चाहिए करंट एसेट्स तो मैं नेक्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस फिक्स्ड एसेट्स तो ये एक और फॉर्मूला आप अपने दिमाग में डाल दो कि व्हेन देयर आर नो सेग्रीगेटेड कि डेटर स्टॉक ये सब आपको वैल्यूज अलग नहीं दिए हैं तो आपको करंट एसेट्स के लिए फॉर्मूला यूज करना है करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस फिक्स्ड एसेट्स जो मेरे पास टोटल एसेट्स है उसमें से फिक्स्ड एसेट्स हटाओगे तो ऑटोमेटिकली जो बचेगा दैट इज करंट एसेट्स इज दिस क्लियर तो करंट एसेट्स का अगला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है कि करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस फिक्स्ड एसेट्स तो क्वेश्चन में देखो हमारे पास टोटल एसेट्स है 2,20,000 एंड फिक्स्ड एसेट्स इज 1,00,000 तो करंट एसेट्स का मैं फिर से फॉर्मूला रीराइट कर रहा हूँ कि करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स 2,20,000 माइनस फिक्स्ड एसेट्स 1,00,000 इज इक्वल टू 1,20,000 सो माई करंट एसेट्स आर नथिंग बट 1,20,000 तो ये मैंने और एक नया फॉर्मूला आपको दिखा दिया या बता दिया कि करंट एसेट्स इज नथिंग बट द एसेट साइड की टोटल माइनस की एसेट्स की अगर आप टोटल करोगे तो एसेट्स में फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट ही होते हैं तो टोटल एसेट्स में अगर आप फिक्स एसेट्स हटा दोगे तो जो बचेगा वो करंट एसेट्स है तो मेरे बिजनेस के टोटल एसेट्स है 2,20,000 इन 2,20,000 के एसेट्स में से 1,00,000 रुपए के एसेट्स आर फिक्स्ड एसेट्स तो फिक्स्ड एसेट्स हटा दो तो बचते हैं 1,20,000 इज नथिंग बट माय करंट एसेट्स तो माय करंट एसेट्स आर नथिंग बट 1,20,000 तो ये करंट एसेट्स का फॉर्मूला हुआ कि करंट एसेट्स मिले 1,20,000 एज पर द गिवन वैल्यूज अब मुझे दूसरा क्या चाहिए करंट लायबिलिटीज तो करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला इस तरह लिखना है करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड क्या फॉर्मूला लिखना है करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड अब इन दोनों में से टोटल लायबिलिटीज एंड कैपिटल एम्प्लॉयड में से हमारे पास क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2,00,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड 2,00,000 रुपए का मेरे पास है
बट वेयर इज माई टोटल लायबिलिटीज, क्वेश्चन में चेक करो टोटल लायबिलिटीज कहाँ है। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि जब आप बैलेंस शीट टैली करते हो तो जो एसेट साइड की टोटल है वही लायबिलिटी साइड की टोटल है। बैलेंस शीट हमेशा टैली होती है कि नहीं, कि एसेट्स की टोटल अगर 2 लाख है तो लायबिलिटीज भी 2 लाख होगा, यस और नो? एसेट 5 लाख है तो लायबिलिटी भी 5 लाख होगा। तो टोटल एसेट्स आर नथिंग बट टोटल लायबिलिटी, या टोटल लायबिलिटीज आर नथिंग बट टोटल एसेट्स। तो सिंपली मैं नीचे वही लिख रहा हूं कि वेयर टोटल लायबिलिटी आर इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज आर इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो यहां पर हमारे पास टोटल एसेट्स अवेलेबल है 2 लाख, तो बस मैं टोटल लायबिलिटीज की वैल्यू भी 2,20,000 लूंगा, कि माई टोटल एसेट्स आर 2,20,000, मतलब माई टोटल लायबिलिटी इज ऑल्सो 2,20,000। तो मैं फॉर्मूला को लिख रहा हूं इस तरह से कि मुझे करंट लायबिलिटीज चाहिए, टोटल लायबिलिटीज माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, वेयर इज माई टोटल लायबिलिटी, तो टोटल लायबिलिटीज नथिंग बट टोटल एसेट्स विच इज 2,20,000। तो मुझे फाइनली आंसर इस प्रकार मिलेगा 2,20,000 माइनस 2 लाख, कि टोटल लायबिलिटी इज 2,20,000। वाई? क्योंकि टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स विच इज 2,20,000। तो टोटल लायबिलिटी इज 2,20,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख, तो मेरा आंसर आ रहा है 20,000 rupees एज माई करंट लायबिलिटी। तो मुझे एक तरफ करंट एसेट्स भी मिला, दूसरी तरफ मुझे करंट लायबिलिटीज भी मिला। तो मेरा फाइनल कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो विल बी, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स 1,20,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 20,000। कि करंट एसेट्स इज 1,20,000, वो मैंने ले लिया, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 20,000 मैंने ले लिया। तो अगर आप 1,20,000 को 20,000 से डिवाइड करोगे तो पहले कॉमन जीरोस कैंसिल करो, तो आपको आंसर मिल रहा है 12/2, यस और नो? तो आपका आंसर आ रहा है 12/2, कॉमन जीरो चले गए। अब 12 एंड 2 दोनों डिविजिबल बाय व्हाट? दोनों डिविजिबल बाय 2 है, तो 12 को 2 से डिवाइड करोगे आंसर मिलेगा 6, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 1। तो 12 एंड 2 को फर्दर आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 6/1। तो करंट रेशियो का आंसर आ रहा है 6/1। तो माय फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूं करंट रेशियो इज इक्वल टू 6:1। सो करंट रेशियो क्या आ रहा है? 6:1। सो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन इज करंट रेशियो 6:1। सिर्फ यहां पर करंट रेशियो पूछा था, हमने करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, बट व्हाट आर माय करंट एसेट्स? तो करंट एसेट्स इज टोटल एसेट्स माइनस फिक्स्ड एसेट्स, राइट? फिर करंट लायबिलिटीज कैसे मिला? टोटल लायबिलिटीज माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये दो फॉर्मूलेज भी याद रखो, राइट? इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विच इज प्रैक्टिकल एग्जांपल 17। फिर से उन्होंने आपको कहा है करंट एसेट्स इज 3 लाख, करंट लायबिलिटी इज 1 लाख, व्हाट इज द करंट रेशियो? तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैं सिंपल आ रहा हूँ ऑन अ फ्रेश पेज, मैं लिख रहा हूँ करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन में हमारे पास करंट एसेट्स दिए हुए 3 लाख, तो मैं लिख रहा हूँ करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3 लाख। क्वेश्चन में हमारे पास करंट लायबिलिटीज दिए 1 लाख, तो मैं लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाय 1 लाख, दैट इज करंट रेशियो इज 3 लाख अपॉन 1 लाख, नथिंग बट कॉमन जीरो काटो, आपको मिल रहा है 3/1 एज अ आंसर। तो मेरा फाइनल सोल्यूशन भी बन रहा है करंट रेशियो इज 3:1। वेरी इजी सिंपल, करंट एसेट्स की वैल्यू है, करंट लायबिलिटीज की वैल्यू है, तो करंट रेशियो इज 3:1। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर करंट रेशियो के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस थे इन द टेक्स्ट बुक, सॉल्व हो या अनसॉल्व हो, हमने सारे सॉल्व कर लिए। तो आज का आपका होमवर्क यही है कि जितने सम्स हमने अभी सॉल्व किए हैं उनको फिर से दो दो बार और रिवाइज करो। इज दिस क्लियर? चलो, तो ये रिवाइज करो। इन नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करने वाले हैं? और नए फॉर्मूलेज पढ़ने वाले हैं, राइट? एंड धीरे धीरे करके इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।